क्या आपको पता है कि धरती पर इंसान कहां से आए, इंसानों की उत्पत्ति कहां से हुई, क्या सच में हमारे पूर्वज बंदर थे या कोई और, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन के कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे ही सवालों में यह सवाल भी मौजूद होगा कि धरती पर इंसान कहां से आए और मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमने यह जानकारी भरी वीडियो काफी रिसर्च के बाद आपके सामने पेश की है। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है, और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहां से आया और धरती के सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था, असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य से पहले भी जीवन धरती पर संभव था, और इसी नजरिए से देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गए। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ते कंकड़, धूल मिट्टी अथवा उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया और पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है, परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 आर्कियोलॉजिकल मेट्रोराइड गिरे, जिनके स्टडी के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके स्टडी से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीजों उन उल्का पिंडों में पाई गई, उसमें उन्हें पानी और कुछ दूसरे बायोलॉजिकल मटेरियल्स मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी दूसरे जीव की तरह आए थे, और उसके बाद नेचुरल एक्टिविटीज के चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव रूप का क्रिएशन किया। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत तो अभी भी नहीं मिले हैं, पर ज्यादातर बड़े बड़े एस्ट्रोनोमर्स और साइंटिस्ट का यही मानना है कि मानव को यह जानकारी हासिल करने के लिए अभी और रिसर्च की आवश्यकता है, और इस पर सालों से शोध चल रही है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुत चर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसानों को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह माना। उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम द अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर इंसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की जाए तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई, और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था, और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। हमारे टेक्टोनिक प्लेट के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ, समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा गृह बन गई, और इसी समय समुद्र में हो रही केमिकल रिएक्शन से समुद्र में माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह मनुष्य के रहने लायक नहीं थी, उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना जो कि बेहद ठंडा था, उसको हम हिम युग के नाम से जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई परेशानी नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था, और वह धीरे धीरे खुद को बदलता चला गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई परेशानी नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे, परंतु इस थ्योरी को सच कहना थोड़ा कठिन है। हालांकि विश्व भर में वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है, और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।